पीटीएम शुरुआत इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। आज यहाँ मियां नवाज शरीफ साहब की रिहायशगाह पर और मरियम नवाज साहिबा की मेज़बानी में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास हुआ और नहायत खुशगवार माहौल में हुआ और तमाम मसाइल इंतहाई संजीदा और गहरे तजियों के साथ ज़ेर बहस आए। और ये जो आए रोज़ किसी एक ख़ास मुहिम जोई के तहत मीडिया पर पीडीएम के अंदर इख्तलाफात की खबरें चलाई जाती हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज वो दम तोड़ चुकी हैं। पीडीएम पहले से ज़्यादा मजबूत नज़र आई है और आने वाले मुस्तकबिल में इस नाजायज़ हुकूमत से कौम की जान खलासी के लिए पहले की नस्बत ज़्यादा पुराज़म नज़र आई है। मैं एक बात मीडिया की खिदमत में भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि जहाँ हर तबका हर शोबे ज़िंदगी से वाबस्ता लोग इस वक्त मज़लूम हैं, मीडिया भी और मीडिया पर्सन भी उसी तरह मज़लूम हैं। और जिस तरह हम मीडिया के मज़लूम तबके के साथ शाना बशाना खड़े हैं, उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए आइन की बालादस्ती के लिए उठने वाली आवाज़ को कौम तक पहुँचाए और पूरी कुव्वत के साथ पहुँचाए। आपको याद होगा हमने पिछले इजलासों में ये बात कही थी कि 31 दिसंबर तक तमाम मेंबरान असेंबली अपने अपने इस्तीफे पार्टी लीडर तक पहुंचाएंगे। आज तमाम पार्टियों ने इस मीटिंग को रिपोर्ट दी कि सबके इस्तीफे पार्टी क्यादत तक मुकम्मल तौर पर पहुंच चुके हैं। तो एक हदफ आज हासिल हो चुका है। दूसरी बात, हमने ये बात भी कही थी कि 31 जनवरी तक हुकूमत को मुस्ताफी होने की मोहलत है और ये आखिरी तारीख होगी। सो आज फिर हम इसका यादा करते हैं कि हुकूमत के पास एक महीने की मुद्दत है, इसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी, उसकी तारीख का तयन ऐलान करेगी। और ये भी आपको बता दूं कि इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। हम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान को एक डीप स्टेट बनाकर यहां की एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे निज़ाम को यरगमाल बनाया हुआ है। इमरान खान एक मोहरा है जिसके लिए धांधली जिन्होंने की और जिन्होंने उनको कौम पर मुसल्लत किया, एक झूठी हुकूमत कायम की। हम आज वाज़ह कर देना चाहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट और फौजी क़यादत को इसका मुजरिम समझते हैं और हमारी तनकीद का रुख अब उनकी तरफ होगा, बरमला होगा। और अब उनको सोचना है कि वो पाकिस्तान की सियासत पर अपने पंजे गाड़ने का फैसला करते हैं या उससे दस्तबरदार होकर अपनी आइनी जिम्मेदारियों की तरफ जाते हैं। लिहाजा इस हवाले से हम बड़े वजाहत के साथ अपने मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं। फौज हमारी फौज है, हम उसको अपनी फौज समझते हैं, हम तमाम जनरल्स का एहतराम करते हैं,
ये हमारी दिफाई कुव्वत है, लेकिन दिफाई कुव्वत अगर अपने पेशावराना जिम्मेदारियों से हटकर सियासत में मुदाखलत करती है, सियासी मामलात को अपने कब्जे में लेती है, इससे उलझने पैदा होती हैं। आज अगर पाकिस्तान में आईनी बहरान है, कानूनी बहरान है, सियासी बहरान है, माशी बुरहान है, तो वो इस तजावुज की वजह से है कि अपने हदूद से आगे बढ़ जाते हैं। तो इस हवाले से भी तमाम पार्टियां इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हमने सिर्फ एक मोहरे की तरफ तहरीक का रुख नहीं मोड़ना, बल्कि उसके पीछे उन पुश्तीबानों की तरफ भी हमने इस तहरीक को मुतवज्जह रखना है और पब्लिक पर वाजे करना है कि तमाम खराबियों की असल जड़ कौन है और क्यों है। तो ये चीज़ें हमने हम आज एक बात और कर देना चाहते हैं कि इंशाल्लाह 19 जनवरी को इस्लामाबाद में नेप के दफ्तर के सामने पीडीएम के तहत मुजाहरा होगा, इलेक्शन कमीशन के सामने भी मुजाहरा होगा, और हम एक और शेड्यूल भी तय कर रहे हैं कि नेप के दफातर के सामने भी इस तरह के मुजाहरे किए जाए, क्योंकि नेप को हम एहतसाब का इदारा नहीं समझते, बल्कि उसको भी हम इस मौजूदा निज़ाम का एक ऐसा नुमाइंदा इदारा समझते हैं जो सिर्फ हिज़्ब इख्तलाफ के लिए इस्तेमाल होने के लिए बनाया गया है। तो ये इंतकाम का सिलसिला नहीं चलेगा। हम मुल्क में इंसाफ चाहते हैं, एहतसाब से कोई भागा नहीं है, सारे सियासतदान जो बुलाए गए तो एहतसाब के लिए आगे बढ़े हैं, लेकिन ये एहतसाब साबित हो गया कि एहतसाब नहीं इंतकाम है, और जैसे कि ऑन ड्यूटी वो सिर्फ इस भी इख्तलाफ के खिलाफ एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सियासतदानों को आए रोज नोटिसें देना, बुलाना, इस पर भी हम आने वाले दिनों में जब स्टैंडिंग कमेटी होगी तो कुछ सख्त फैसले करने की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा मौलाना, ये बता दीजिएगा कि आपने इस्तीफों की बात की है, इस्तीफे आपके पास आ गए हैं, आगे जमा कब करवाएंगे? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमने एक महीने का टाइम दिया हुआ है, हमने कहा कि लॉन्ग मार्च का फैसला भी होगा जब ये मुद्दत पूरी होगी, और इस्तीफों का हिकमत अमली भी वजह की जाएगी। हर चीज़ हम बाहमी मशवरे के साथ, किसी बैरूनी दबाव की बुनियाद पर नहीं, बड़ी हिकमत अमली के साथ अपने कार्ड खेलना चाहते हैं। सेनेट के हवाले से वो जितनी इंतखाबात मीडिया में ये जिसका आपने आखिर बात किया, क्या सुनाइयाँ हो रही हैं, कोई कह रहा जा रहा है, कोई नहीं जा रहा? मैं बताना चाहता हूँ, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ज़िमनी इलेक्शन में बहस हुई है, लेकिन बिल आखिर फैसला ये हुआ है कि ज़िमनी इलेक्शन में हमने हिस्सा लेना है। जहाँ तक सेनेट का ताल्लुक है, उसूली तौर पर हम किसी इदारे के इलेक्शन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अभी उसमें वक्त है, हालात को मद्देनजर रखा जाएगा और आगे जो हमारे इजलास होंगे उसमें हतमी फैसले किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी की सीएसी के हवाले से पीपल्स पार्टी ने पूरी तफसील के साथ जो सूरत हाल है उसकी आईनी और कानूनी पोजीशन को वाजह किया है, उसकी सियासी पोजीशन को वाजह किया है, और फिर उसके बाद उन्होंने जो तजावीज़ मुरतब की है वो सामने रखी है और तफसील के साथ उस पर बहस हुई है और फिर मुत्तफ़िका आरा कायम की गई। मरियम नवाज की कल गुफ्तगू थी, उन्होंने बताया कि मुझे भी प्रेस किया गया मेरी गाड़ी को, आपकी क्यादत पीडीएम की गिरफ्तार होती है तो फिर कौन लीड करेगा इसे? मेरे ख्याल में हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि अब हम बाकायदा जेलों का रुख करें और पूरे मुल्क में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, हम इस पर फासफाई इख्तियार नहीं करेंगे इंशाल्लाह। मौलाना साहब, ये फरमाएगा कि जब मोहम्मद अली दुरानी साहब ने या शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी तो पीपल्स पार्टी की जानिब से तहफ्फुज़ात आए थे कि बैक डोर जो मुदाखलात है ये नहीं होने चाहिए, पर पीडीएम खुद मुदाखलात करें। आप कल बहसियत पीडीएम सरबराह के मोहम्मद अली दुरानी से मिले तो क्या आपने सबको एतमाद में लिया था, और दूसरा क्या आप डायलॉग की तरफ भी जा रहे हैं कि कहीं पर बातचीत का भी अमल होना चाहिए? मेरे शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया कि नवाज़ी साहब ने वापस नहीं आए थे तो फिर लॉन्ग मार्च होकर वो क्या करेंगे? ये सारी जो है बाहर की वही कयास आ रही है,
जो आपके सफों में चल रही हैं और जिस पर हमें दुख होता है, ऐसा क्यों होता है? अगर कोई ऐसी बात न हुई है और न किसी किस्म का कोई अब हम उसके बारे में बता नहीं है। बाकी रही बात जी, मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो बगैर प्रोग्राम के मेरे पास आए, जहां मैं ठहरता हूं मस्जिद में, आप लोग भी आते रहते हैं, और मीडिया के सामने बात भी हुई और उन्होंने अपना जो नेशनल डायलॉग का फलसफा था वो बयान किया और उसके जवाब में मैंने कहा कि ये खारिज अज़ इम्कान है, बात खत्म हो गई। अभी आपने बात की कि आप जो फौजी क़यादत है उसको हजरत, हम इस्लाह अहवाल के लिए ज़रूरी समझ, इस्लाह अहवाल के लिए अब हमने ज़रूरी समझ लिया है कि हम इस बात को एड्रेस करेंगे, पब्लिक के सामने एड्रेस करेंगे, क्यों आवाम के मामलात में मुदाखलत की जाती है और मुल्की निज़ाम पर कब्ज़ा किया जाता है। आज हमारे ऊपर जब डीप स्टेट का लफ्ज़ आता है तो हेनरी वाह अमेरिका में एक इंटरव्यू देती है और कहती है कि उसकी मिसाल जैसे पाकिस्तान, क्यों पाकिस्तान को दुनिया में इज्जत किया जा रहा है? ये जमहूरी मुल्क है, ये आइनी मुल्क है और इसको उसी अंदाज में हमें चलाना चाहिए। हम जब हमने बहुत ही स्पेस दी हुई है और हम समझते हैं कि बस सिर्फ जो कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ है, जो मोहरा है, कठपुतली है, उसी को बस डिस्कस करते रहे और पीछे जो जिम्मेदारान हैं उसको हमेशा नज़रअंदाज करते रहे। फिर हमें सियासी मामला है, मुल्क का मामला है, मुल्क अव्वल है, उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद कोई और। पीपल्स पार्टी और हम सब ने 20 सितंबर के ऊपर जो डिक्लेरेशन साइन किया था उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ता चला जा रहा है। आप हजरात, तो मुश्किल यह है कि सियासतदान और साहबी में फ़र्क होता है कि जो बात हमने जो बात अभी हमने तय नहीं की, आप कहते हैं क्यों तय नहीं कि उसको हल हो जाना चाहिए। अभी दोनों से मेरा सवाल है कि आपने अभी कहा कि चैलेंज के हवाले से आप लोग अभी सोच रहे हैं, दूसरा ये भी था कि पीपल्स पार्टी ने कहा था कि तरीके अजम अहतमाद कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली में लाए जाए, क्या इस पर इतफाक हुआ है कि आप लोग तरीके अजम अहतमाद दोनों ऐवानों में लेकर आएंगे? और मरीम साहब आप बता दें कि आप लोग ने इतफाक किया है जो पीपल्स पार्टी ने, आप लोगों ने पीएमएलएन इतफाक को मुकम्मल किया है? मनोहर साहब आप जवाब दे दीजिए, आप दे दीजिए जवाब जो उन्होंने पहला सवाल किया है। देखिए कुछ बातें ऐसी हैं कि आप पूछते रहेंगे और हम मुस्कराते रहेंगे। देखिए बहुत सी, हाँ, क्योंकि हमने हमने बहुत सी चीज़ें इसलिए भी छोड़ी होती हैं कि आप लोग उस पर तफ़सीर करते रहेंगे और हम फिर आपको नहीं नहीं हम आपको वो क्या कहते हैं सरप्राइज देते रहेंगे। उस पर कोई फैसला नहीं हुआ और बहस होती है, डिस्कशन चलती रहेगी, इसका कोई फौरी जल्दी हमें जरूरत नहीं है उसकी। आपका सवाल हो गया, पीपल्स पार्टी के कोई तहफ़ुज़ात नहीं थे, पीपल्स पार्टी की तजावीज़ थी जो एक कंपोनेंट पार्टी के तौर पर उसका हक है कि वो अपनी तजावीज़ पेश करे, पेश की, डिस्कस हुई है और वो अच्छे नतज उसके बरामद हुए। कुछ चीजें जो हैं कुछ चीजें जो इजलास के अंदर जो रिबास आती है वो इजलास ही की अमानत होती है, हर बात जो है वो चौकों पे नहीं की जाती, संजीदा माहौल जो है वो संजीदा माहौल में डिस्कस किया जाता है। बाकी ये बात कि हमने गेट नंबर कौन से पे जाना है ये फैसला हमें अभी करना है। क्या कौन भागे फिर रहे हैं? अब हम किसी को ये तो नहीं कह सकते कि आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा मौकफ वाज़ है। ये कि आपने इस्तीफों की बात की, दो इस्तीफे जो है वो कौमी असम्बली पहुंचे लेकिन वो कबूल नहीं हुए, उन लोगों ने वापस ले लिए, आपने कहा था इस्तीफे ऊपर मार कर आना, वापस हो गए। देखें एक तो पीएमएलएन के सारे इस्तीफे मेरे पास आ चुके हैं
और इस बात में कोई गुंजाइश ही नहीं कि पीएमएलएन का स्पेशली वो जो दो मेंबर्स हैं वो अगर पार्टी की आदत उनको हुक्म करे और वो इस्तीफों से पीछे हटे, ये हो नहीं सकता। और ये उम्मीदें अगर कोई लगा के बैठा है तो उसको नाकामी होगी। बहुत शुक्रिया।